नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दो बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, पीएम किसान का जो 14वां किस्त यहाँ पे मिलने वाला है, उससे पहले जो है आप लोग का दो नई अपडेट यहाँ पे जारी की गई है। सबसे पहले जितने भी किसान यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 14वां किस्त का इंतजार कर रहे हैं, उनको यहाँ पे चेक करना होगा अपना स्टेटस कि आपका जो है पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसमें जो है आप लोग का थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। अब जो आप लोग का स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया है, साथ में आप लोग का जो स्टेटस शो करता है वो भी आप लोग का कुछ अलग तरीके से यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे आप लोग को किस तरीके से अपना चेक करना है कि आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। साथ में सेकेंड यहाँ पे ये अपडेट है दोस्तों कि आप लोग का पैसा कब तक दिया जाएगा, इसके बारे में भी आप लोग का थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है, तो वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रेडिकल्स को दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना उसका शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। पीएम किसान का जो सबसे पहला अपडेट है कि आप लोग का जो स्टेटस है वो आप लोग को चेक करना होगा, जिससे कि आप लोग का पता चलेगा कि आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो वो स्टेटस किस तरीके से चेक करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल में लिखना है पीएम किसान। तो सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको पीएम किसान की वेबसाइट पे चले आना है और यहां पे देख पाओगे अब जो आप लोगों का ऑप्शन है वो ऊपर में ही दे दिया गया है बेनिफिशियरी स्टेटस का, यहां पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहां पे देख पाओगे इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आता है। अब यहां पे बहुत सारे किसानों को प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनको पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा है क्या। तो यहां पे आप लोगों को नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा तो यहां पे आप लोगों का आधार नंबर और मोबाइल नंबर, तो यहां पे दो आप लोगों का ऑप्शन मिलता है, दोनों में से किसी ऑप्शन को आप लोगों को यहां पे सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहां पे जो आप लोगों का कैप्चा, ये कैप्चा डालकर गेट मोबाइल ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। तो आप लोग को रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको डालकर आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप लोगों को पता करना है। तो मैं जो यहां पे पता करता हूं उस पर आपको यहां पे दिखाता हूं। तो यहां पे आप देख पाओगे कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहां पे शो कर दिया है और आप लोगों का जो नाम है वो यहां पे शो कर चुका है। अब आप लोगों को ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आप लोगों को यहां पे कॉपी कर लेना है, फिर से यहां पे बैक बटन पे क्लिक करना है और फिर से आप लोगों को बैक आकर यहां पे बेनिफिशियरी एड्रेस पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोगों यहां पे ओपन होगा। अब आप लोगों को यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है कुछ इस तरीके से और यहां पे जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा डालकर गेट डाटा पे आपको क्लिक करना है। तो यहां पे आप स्टेटस चेक करते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोगों का शो करेगा। ऊपर में आप लोगों का पर्सनल डिटेल रहेगा, यहां पे अपना जो पर्सनल डिटेल है उसको यहां पे जो है आप अपडेट योर डिटेल पे क्लिक करके अपना जो पर्सनल डिटेल है उसको यहां पे अपडेट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर कुछ दिक्कत है तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। फिर नीचे आप लोग यहां पे कुछ इस तरीके से शो करेगा, यहां पे देख पाओगे आप लोग का एलिजिबिलिटी स्टेटस यहां पे शो कर रहा है। यहां पे देखिए लैंड सीडिंग आप लोग का यस शो कर रहा है, ईकेवाईसी स्टेटस भी आप लोग का यस शो कर रहा है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यहां पे जो है यस शो कर रहा है। अगर आप लोग का ये तीनों जो है यहां पे यस शो करता है तो इसका मतलब है कि आप लोग का सारा कुछ सही है, आप लोग को यहां पे पैसा मिलने वाला है। और आप यहां पे क्लिक है पे क्लिक करके आपका कौन सा बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है वो भी आप यहां पे चेक कर सकते हैं। फिर लास्ट ईकेवाईसी कंप्लीशन डेट आप लोग का शो कर रहा है, यानी कि कब आप लोग का ईकेवाईसी हुआ था वो भी आप लोग यहां पे शो कर देगा। व्यू अकाउंट डिटेल पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग का जो अकाउंट डिटेल है वो आप लोग यहां पे शो कर देगा। आप लोग कौन सा किस्त जो है किस बैंक में गया है वो आप लोग का शो कर देगा। मान लीजिए मैं 12वां किस्त देखना चाहता हूं तो यहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आप लोग का 12वां किस्त मिला होगा तो वो भी आप लोग यहां पे शो कर देगा। जैसे कि यहां पे देखिए कि 12वां किस्त हमको नहीं मिला है तो यहां पे शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग हमें पीएम किसान में जो अपडेट है वो जारी किया गया है और इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर सारा कुछ आप लोग का ग्रीन टिक रहता है तो 100% आप लोग को पैसा मिलेगा। तो इस चीज से आप यहां पे समझ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका पैसा कब तक मिलेगा। तो अभी जो आप लोग का ई केवाईसी का डेट है उसको यहां पे बढ़ा दिया गया है। पिछला जो आप लोग का 15 तारीख यहां पे डेट रखा गया था पैसा मिलने का, उसको यहां पे बढ़ा दिया गया है क्योंकि बहुत सारे किसानों ने यहां पे अपना ई केवाईसी नहीं करवाया था। अब दोस्तों यहां पे जो आप लोग का ई केवाईसी का डेट रखा गया वो 10 जुलाई तक यहां पे रखा गया है, यानी कि अगले महीने 10 तारीख तक आप लोग का जो ई केवाईसी है वो यहां पे होने वाला है। तो अब जो आप लोग का पैसा मिलेगा वो अगले 10 तारीख के बाद ही यहां पे मिलने वाला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगले 10 तारीख के बाद यहां पे मान सकते हैं कि 15 तारीख के अंदर जो है आप लोग का पैसा यहां पे मिल जाएगा, आप लोग का जो 14वां किस्त है वो आप लोग को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे अपडेट जारी किया गया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।